वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मदरहुड ने मुझे क्या सिखाया या फिर क्या रियलाइज़ कराया इन जनरल लाइफ के लिए। और ये बहुत ही इनफॉर्मल टाइप का वीडियो होने वाला है, मैं बस हार्ट टू हार्ट टॉक करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो स्टार्ट करें। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस वीडियो के लिए कि मम्मीज ही नहीं डैडीज भी रिलेट कर पाएंगे मेरे हर पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले मैं जब सोचती थी ना अनकंडीशनल लव क्या होता है तो मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि कभी फील ही नहीं किया था। तो मुझे लगता था सच में क्या अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट भी करता है। बट अब जो मेरे पास अनवी है तो आई कैन फील दैट लव, आई कैन फील कि अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट अनवी का जब बर्थ हुआ था ना तो मुझे इंस्टेंटली कुछ फील ही नहीं हुआ। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। बट टाइम के साथ जैसे वो बड़ी होते गई, वो लव जो है, वो प्यार जो है मेरा अनवी के लिए, वो बढ़ता गया। और अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि मदरहुड में नहीं मुझे सिखाया कि अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ जो मदरहुड ने मुझे सिखाया वो ये कि मेरा हेल्दी रहना और हैप्पी रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो मैं अपने बच्चे पे भी 100% ध्यान नहीं दे पाऊँगी। सपोज़ करो मेरे अंदर कुछ चल रहा है या फिर मैं दुखी हूँ किसी चीज़ को लेकर के, मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो मैं 100% अपने बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे पाऊँगी। एंड इन रिटर्न कहीं ना कहीं वो भी ज़रूर अफेक्टेड रहेगी। इसीलिए मॉम का, डैड का, दोनों का हेल्दी रहना और हैप्पी रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, हमारे बच्चे हमारे बातों से नहीं सीखते, हमारे एक्शन से सीखते हैं। सपोज़ करो हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं डोंट फाइट डोंट फाइट, और घर में अगर वो देख रहे हैं कि मॉम डैड या कोई भी झगड़ा कर रहे हैं दिन भर, तो वो ये नहीं सीखेंगे कि वी शुड नॉट फाइट, वो ये देखेंगे इट्स नॉर्मल टू फाइट। तो मदरहुड ने मुझे ये सिखाया कि वी शुड बी माइंडफुल, हम माइंडफुल होकर एक्ट करें, स्पेशली इन द फ्रंट ऑफ आवर चाइल्ड। फोर्थ पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट थी, मुझे अभी जो करना है वो अभी करना है, ऐसा नहीं कि बाद में करना है, पेशेंस से कोई वास्ता था ही नहीं। बट अब पता नहीं क्या उल्टा ही हो गया है, अनवी के वजह से शायद मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ। आई थिंक एवरी मॉम एंड डैड हो ही जाते होंगे, बच्चे होने के बाद वो पेशेंट हो ही जाते होंगे। तो मदरहुड ने मुझे सिखाया कि पेशेंट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत नादान होते हैं, वो हमारे बड़े बड़े लोगों के जैसा वो सारी चीज़ों को एक बार में नहीं समझ के फॉलो करेंगे। तो आई थिंक बच्चों के साथ पेशेंस के साथ ही डील करना बेटर ऑप्शन है। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है हैप्पी रहना किसी भी सिचुएशन में। ये चीज़ तो मैंने अनवी से ही सीखा है, सीखा नहीं है, आई एम ट्राइंग टू लर्न, अभी तक सीखा नहीं है, इन प्रोग्रेस है। बट मैंने देखा था अनवी को, हम लॉकडाउन के टाइम पे 7-8 मंथ्स घर के अंदर बंद थे, बाहर तो जाना पॉसिबल ही नहीं था। बट मैंने आज तक अनवी को कभी दुखी नहीं देखा, जो भी चीज़ अवेलेबल था वो उसके साथ ही खेल कर खुश रहती थी। तो आई थिंक हम सबको बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम खुश रहे। आई होप सारे मॉम्स और डैड रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो के साथ। और अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी है जो आपने सीखा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे भी वो सीखने का मौका मिले। और आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप सारे मॉम्स और डैड्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं, फ्री है, शेयर करो और मेरी इस वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।